आज इसी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, थोड़ी सी बैठी है बनाइए। अब देखिए हमारा आ रहा है। आ भाई आ रहा है। आज 17 जुलाई 2013 है। मूल भारती छात्रावास जहाँ मैं रोज आता हूँ भोज कराने के लिए। तो यहाँ अभी थोड़ा आम मिल गया, सुबह तो हमारा भोज हो चुका है, लेकिन अब आम खराब हो जाता, देने वाले ने तो दे दिया, तो हमको लेके आना पड़ा। इसी छात्रावास में यहाँ के बच्चे बड़े सज्जन हैं, ना कभी कोई टोकता है, ना कोई उल्टी सीधी बात करता है, और जो पढ़े लिखे हैं, जो कुत्ते की औलाद हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, उनको और आगे हम क्या बोलें। हम अवगलपन के बाबा हैं, हम माँ बहन तक भी पहुँच जाते हैं, लेकिन चूँकि कैमरे के आगे उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। वो निहायत कुत्ते हैं। हे यहाँ खिलाओ, वहाँ खिलाओ, अबे उल्लू के पट्टे कमीने, बंदरों का यासियाना था सब। जरा इधर दिखाइए, ऐसे दिखा दीजिए, एक बार उधर भी दिखाइए, धीरे धीरे वहाँ जरा भैया लोगों का आ जाए, वो सबसे किनारे वाले उनका भी आ जाए। हाँ बस बस, अब ज़्यादा ना हिला भैया। हाँ अब जो इधर देखो, अब इधर आइए आप। तो दौलत हमारे यहाँ, तो दौलत आने से लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। ये गरीब विद्यार्थियों का ये मतलब हॉस्टल है, ये गरीब लोगों का छात्रावास है, तो इनमें मानवता है, इनको हे दृष्टि से देखा जाता है। कोई बड़ा नेता आवेगा तो अपनी तौहीन समझता है यहाँ आने में। अरे कुत्तो, इन्हीं के बल से तुम वहाँ कुर्सी पर बैठे हो, समझ गए। और नाम के आगे से, अब हमने तो बहुत पहले मांग किया था कि नाम के आगे से जात हटाओ, तब इलेक्शन में आओ, लेकिन आपको मालूम है कि ये कुत्ते हैं सब। कहीं लैपटॉप बांट दो, कहीं छात्र बीच कौन क्या क्या स्टाइपिंग बांट दो, कहीं कुछ बांट दो, रेवड़ी बतासा बांटो, जातवाद का जहर फूंको, ओट ले जाओ। ये मेरा कुत्ता और कमीना समाज है। इसी समाज के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बंदर खिलाने में उनको बड़ी आपत्ति होती है। यहाँ मत खिलाओ, वहाँ मत खिलाओ, उनसे पूछा जाए आप क्यों यहाँ बंदर के घर में अपना घर बनाए हैं। बंदरों का आसियाना था। हनुमान जी के मंदिर में आप जाते हैं पूजा करने, और बंदर को जब खिलाना है तो बंदर को भगाओ, आपके बराबर अंधा और कमीना दूसरा कोई होगा ही नहीं। बहुत अंधे हैं आप, ज्ञान से अपना काम लीजिए। हम आपके लिए आपके हित में बोल रहे हैं, ये नहीं हम पंडित जी हैं, हमारा कलावा बांध रही दक्षिणा, हाँ जय हो। नो, जय नहीं होगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा अगर बंदरों का, अगर तुमने खिलाने के लिए ऐतराज़ किया। तुम्हारे यहाँ जब भी कोई आपत्ति आएगी वो मंगलवार का दिन होगा या शनिवार का दिन होगा, नोट कर लो। ऐसा अवघलपन की क्रिया है। ये झाड़ फूंक जिसका होता है ना, इसमें माचिस लगा दो, ना कोई झाड़ ना फूंक ना कोई बाबा। तो खैर अब हम बंदर भोज करेंगे, क्योंकि कैमरे में बैटरी बहुत कम है, और इन लोगों को आम देना शुरू करेंगे। और आज 17 जुलाई 2013 है। छात्रावास के बारे में बताया, बड़े अच्छे लड़के हैं, कभी कोई नहीं इतराज करता, कभी नहीं, बल्कि और हमारी बेचारे हेल्प करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। अब करी बात। हाँ मिल रहा, आओ बैठो, हाँ भैया चाकू हमको कहाँ मिला, वहाँ रखा ना रहा है। अरे जाओ, फिर तुम फेल हो गए इंटरव्यू में, चाकू लेके कहे चले गए। अरे चाकू पकड़ा देते हाथ में, जो मेरा हाथ खाली दे रहे हैं चाकू, चाकू लाओ। कैमरे को हिलाइए नहीं, बस ठीक है, बात जाइए बैठिए। हाँ भैया आओ। अरे हम चाकू ना मारा, वहाँ हम काट के देवे तुम कहा। आओ 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 बच जाओ। अब क्योंकि आप कैमरा लेके खड़े हैं ना, तो आप थोड़ा सा दूर होइए, जब सब आ जाए तो आप धीरे धीरे करीब आ जाइएगा। लो भैया पलथी मार के ना बैठे दे दे, लो 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 खाओ। अब ये फल वाले हमको इसे दे देते हैं, हमसे पैसा नहीं लेते हैं। आप थोड़ा महाराज करीब आइए, और उसके आगे आप हाँ हम ना बोलिएगा, ये तो हम कैमरे के आगे कह रहे हैं। अब वही छोटा बटन दाब के एक बार फोटो ले लीजिए, इसी तरह दो तीन फोटो लीजिएगा।
छोटा बटन दाब को हाथ हटा लीजिए है ना, और लाल लाल पट्टी चल रही हो। अब वो बस वो फोटो ले लिया। लाल पट्टी चलने का मतलब कि फोटो, और ये नहीं कि अब इधर के बंदर आ में तो वो बंदर छूट जाए, उतनी इतनी दूरी कैमरा वाले को आगे पीछे अपनी सेटिंग मिला लेनी चाहिए। अच्छा बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे तो पता लगेगा पीछे ये आ गया, पेड़ आ गया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, केवल इतना ही आना चाहिए। चलो बाबा कहाँ ट्रेनिंग दिया? ओ हाँ, ओ हाँ, ट्रेनिंग कहाँ दी? ये लो बूढ़ा तुम लो। हाँ भाई आओ, देखो अपने बच्चों को ही छोड़ दिया उधर, दिखाइए क्या कर रहे बच्चे को। हाँ वो छोटा बच्चा है, देखिए आम के चक्कर में अपने बच्चों को छोड़ ही नहीं आ गई। अच्छा वो बड़े बटन में तो नहीं हाथ लगा? उससे वो क्लोजअप का है, तो क्लोजअप की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लोजअप मान लीजिए आपने ऑन किया, फिर आप नहीं कर पाएंगे उसको, फिर वापस लाना पड़ता है ना। कभी कभी क्लोजअप में एक बार मन हो तो आप करके देख लो तो उसको है ठीक, और लपलपाने लगे तो हमको बताइएगा। रुपया बूढ़ा तुमका मिल चुका है एक बार, देखो पकड़ो हाथ से चक्कू है ना, तो मार पकड़ा रहे उठाओ। ले हाँ 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 ये थोड़ा बीच बीच में थोड़ा घुमा दिया। हाँ सीख लियो यही लगा रखते रहो। अभी तुमका दे हम सरदार देव देव सरदार, ये पकड़ो देखो उसको भगा दिया जाए। सरदार ये पकड़ देव। अब हमको थोड़ा उठ के सरदार को भगाना पड़ेगा है ना, तो सरदार मुझे सब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही यहाँ आने। न डराओ चाकू न मारा तू मुझे, खराब है आधा देने में बड़ा बवाल है। छोटा देसी आम हो खटाखट खटाखट बहावत चलेगा। तीन एक झापल कर ये छोटा है एक दे दे। इस बंदरिया का नाम है दुलारी। ये हमारे लगे बैठी हैं, जाने था ना कि बाबा हमका मरी है ना, ये चौके बैठी हैं, कोई कोई लगाए हैं। आम देने वाले देखे रुक जाओ भैया, का अकेले ले हो बुला, अब अकेले खाई हो का। हाँ मिल रहा देखो आर ई सी लाल लाल दिखा है ना, आर ई सी काट का रहा। अब एक बार बटन नौ डाल कहाँ लिखा है आर ई सी? ये आ रहा है सीन, पीछे देखो सीन आ रहा है बंदर का, जो बंदर को मैं दे रहा हूँ यहाँ रहा है। हाँ हाँ ऐसा हो कि सब बगल बगल के एरिया का कटे न पावे। देखो अम्मा अम्मा के पास एक छोटा बंदर है, इधर इधर गौर करो
अपनी माँ के पास आया है। ये देखिए एकदम छोटा सा, कितना छोटा सा बंदर अपनी माँ के पास है। लो भैया खाओ, लो भैया खाओ। हाँ निकल जाओ, रुक जाओ, मिल रहा है ऑटो, मिल रहा है भैया, रुक जाओ, देख रहे हैं आप, आओ करीब से बना यार, तुम तो बहुत दूर से बना, करीब आओ। बंदर आपसे नहीं बोलेंगे, हम बैठे तो हैं, जाए बंदर खपुआन आपका कहाँ, देख रहे हैं सब की झोला अगर ना दाबे हो, ये लोग झोले से ही छीन रहे हैं। ले ले ले, मिल रहा है मटरू लाल, ये ले, चलो जाते रहो, हुआ बैठे ना रहो। और किसको नहीं मिला भाई, दो तीन जने हुआ बैठे, ये ले बन गया शाबाश, ये देखो उसको मिल गया। कितने स्टाइल में फेंकना पड़ता है, एक कोई ऊपर ले ले शाबाश, एक वहाँ पहुँच गया तो सरदार वहाँ पहुँच गया, तुम वहाँ ले लो शाबाश बदमाशी नहीं। जाके नीचे उतर जवाबे तुमका इतरा ले लो भैया, तुम भी ले लो स्वामी जी, मिल रहा है, मिल रहा है, कई जगह बोर्ड लगा है, मिल रहा है, नाम तो हमें नहीं है, कई जगह बोर्ड बाबा इनका कोई समझाओ, कोई मटोर लाल दिया ही लाल वो हम करिए तरक्की अपन, इनका चाहिए भैया भगा दो जरा, कहाँ काटे नहीं, खाली कुर्सी उठा लो। ओहो तुम लोग यार इंटरव्यू में कुर्सी उठा लो, तुमने लगे तो बम धरा है, ये देखो भाग गए, काट नहीं अब उसमें धरा है कबड़ा कुर्सी। सर्कस में देखे होंगे शेर को कुर्सी से रोक लेते हैं, शेर का बच्चा 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 रुक जा, मिल रहा है आफर ना, मिला बहुत मारा है, काटे दो एक एक, तुम तो पकड़ा देवे सब, नहीं खा जी हो तो बच्चा का खाना बचाऊँ ना, ये ले ये ले ये ले, बच्चा का खाइए। अब देखिए सरदार की हिम्मत नहीं कि हमारे पास में आ जाए, देखा उसके मन में भय है, ऐसे स्टाइल में दिखाए है तो खोल के दिखा रहा है, अब ये बच्चा गिर जाए सरदार की मजे में बैटरी है खत्म होने जा रही है, चार्जर है नहीं, चार्जर नहीं घर में है, लाइट की व्यवस्था है, पहले से काट चलाना चाहिए है ना, तो बस मियाँ खाली बहाओ, मियाँ लेके चक्कू बैठ जाइए, होते एक जने की मिली एक जने के मिलवे ने करी, मियाँ तो खाली आओ नान नान बहाना शुरू कर दो तो एक एक कतरा सबका मिल जाएगी। हाँ है अच्छा ले देखा, बच्चे को दो तो बड़े पा जा, अब बंदर खिलाने वाले आएंगे सब बड़ों को देंगे, उनको तमीजे नहीं है बड़ों को, हम कहते हैं बड़ों को मत दो, वो अपने आप ही सबसे पा जाते हैं दस बार, बच्चों को देव जब देव तो बच्चों को देव देव। हाँ ये
शाबाश शाबाश, छोटे को दे, छोटे को दे, छोटे को दे, लो लो यही में खाओ, सब जने खाओ खाओ, मीस दे यही में खाओ, हाँ मीस मीस दे तो काम चले, ऐसा दाब नहीं, हाँ नहीं तुम निकाल दो, हम जानी हम जहाँ मोड़ब तहाँ तुम यही में से निकलियो हो, बैठे बैठे चोरी करी हो तुम, तुम्हारा नाम दुलारी है ना, जैसे देखा हम सोचा दाब फाल के कई जने के दे दे, एक छोटा सा है कोई झूल वाले बनकर को मिल जाता तो बड़ा काम होता, दे बच्चे दे, देखा ना छोटे के देव बड़े गप से उठा ले, दे भैया उठाओ, हाँ अब तुमका ना मिली बार बार, हाँ खाए हो चलो खाओ, कौ 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 लगाए हो, अब यही कोशिश होगा कि काटो और बढ़िया अच्छे टाइप के झोले में भरो, प्लास्टिक के झोले में लेके चले आओ, देव को 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 लगाए, इससे अंदाजा मिल गया होगा कि आम का भोज बंदर को काट के ले आओ, अब आओ निकाल निकाल, यहाँ फेंको वहाँ फेंको, सबको मिल जाए, अब तीन चार लोग तो वहाँ ऊपर बेचारे बैठे हैं, अब उनको नहीं मिल रहा है, अब यहाँ से फेंकेंगे तो उनको मिल जाएगा, फेंक दिया ऊपर भी चला गया, हाँ मिल रहा है ऊपर जहाँ फेंका तहाँ चौधरा जो है दौड़ के गप से खा ले, शाबाश उठा ले जा, तो देखा उसी स्टाइल में है चौधरी, तुम चौधरी मनी हो ना कह, उनका हमें चाहे कुछ नहीं उठा जो बाहर उठा, गुठली के असर नहीं, कहा देखो गुम्मा देखो कहा देखो ऊपर पहुँच गया, ताकि अगर हम किसी बच्चे को देंगे और सब ऊपर मर रहे नीचे आओ भैया तो तुमका वो सब तुमका ना खाए देंगे, तुमका ना खाए देंगे, जहाँ फिर मैं कहा दौड़ा देंगे, यह देखो यह पाए नीचे आओ, इनको अकल है ही नहीं, अब जब हुआ तुमने बाप बैठे तो नीचे चले आओ, अब हुआ ऊपर बैठे ससुर ना वो उनको वहाँ फेंका सरदार जो है दौड़ पड़ा, सरदार जी जो है दौड़ पड़े, कोई कोई आम कितना बढ़िया सनातन ना मिला हुए, ले बंदरिया ऐसा बात रह गई चलो वह तार उठाओ जाके जाओ, हाँ जाओ उठा जाओ, देखो मैं बैठा है ना, ये उठा ले ये उठा, शाबाश शाबाश शाबाश, ए चौधरी देखो एक चौधरी ये तो एक लगन ये सीधा, देखो कहा भैया देखो भैया खाओ लो तुम ही ले, अब उस दिन तो रही जस साहिबा, दो तीन दिन पहले मैंने भोज किया तो सिविल जज साहिबा साथ में रही, आवाज तो इसमें आएगी, जहाँ सब आ रही तो जज साहिबा ने सब छिलके बनवाए चौतरे को धुलवाया, आवाज अकेले हैं, अब इसके बाद जो भी हमसे हो सकेगा करेंगे, इसको किनारे करेंगे तो ये छिलकी छिलका और गुठली ये गाय खाएगी, ये गौ माता के पेट में जाएगा, दागी वाले आम थे इनके काम में आ गया, तो दागी वाले आम बहुत सस्ते हैं, समय 10-20 रुपए दे दीजिए आम आपको मिल जाएगा,
वही ला के बंदर को खिला दो, अच्छे आम अगर हैं तो गरीब बच्चे मिल जाए उनको खिला दो, बांट दो, वही भंडारा है। लेकिन आप नहीं ऐसा कहेंगे, आप करते क्या है, मंदिर मारा टन टन से घंटा मारा हाथ और पंडित जी को एक डिब्बा मिठाई जी और हनुमान जी पूंछ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। केदारनाथ में देखा आपने, माँ के पेट से केदारनाथ के जो दर्शन करता था, माँ के पेट में जब था तब गोद में आया, तब बाल्यावस्था रहा, तब जवान हुआ, तब अब बुढ़ा हो गया, तब केदारनाथ के दर्शन करता था, अंजाम क्या हुआ, कितनी बुरी मौत मरा वो, कितनी बुरी मौत कि कोई लाश उठाने वाला नहीं, पता नहीं कहाँ गए, चील कौए खाए कि कहाँ चला गया, पिछड़े हो गए। इससे साबित होता है कि कोई मंदिर पूजा पाठ जो करते हैं ना, पूजा करने योग्य, पूजा करने की जरूरत नहीं है, मन को साफ रखिए, मुलायम रखिए, किसी का दिल न दुखाइए, किसी प्राणी का दिल न दुखाइए। कभी आप मनुष्य हैं, बड़ा ज्ञान, बड़ी डिग्री PhD की है ना, डॉक्टरेट की है, अच्छा केवल यही बता दीजिए कि मानवता की परिभाषा क्या है और आपने किया क्या है, करते क्या है, पैसा कमाते हैं ना, लाखों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, जादू दिखा दिखा के बहुत से TV पर बाबा आते हैं और सब बाबा प्रणाम बाबा, मैं हाँ गुलाब का फूल ले लेना, वो काला एक बेंच उठावे 20 बेंच उनको पहले घसीट के मारे कि बाबा ये केदारनाथ में जो कांड हुआ उसको काहे नहीं अपने भक्तों को बचा लिया। भाई पहले से दुनिया की बातें तो बताते हो कि गुलाब का फूल तुम लेके आना हो तुम्हारे साथ ये काला, दुनिया भर के सारे नाटक बतावेंगे, किसी की जान बचावे पहले भविष्यवाणी कर तो हम जाने तू बाबा है, तो बाबा है तो अंधा समाज के लिए तो बाबा है, बाबा का मतलब ये होता है। सुबह आए ड्यूटी करके गए, झोला आम आ गया, ये देखिए भाई गले पचे आम होंगे, उनकी क्या हालत, साइकिल में कपड़ों में तब बचाने पर सब चुग रहा बह रहा है, हमें लेके आया बंदों को पेट में पहुंच गया। यह है बाबा का मतलब, ये धर्म है। पत्थर के हनुमान जी तो हनुमान जी हो गए, ये कौन है, क्या इनका उनका प्रारूप नहीं है, है लेकिन इनको आप खिलाएंगे तो ये खा जाएंगे, फिर आपको डिब्बा घर कैसे ले जाएंगे आप इसलिए आप पत्थर के बंदर को खिलाते हैं, वो न खाएंगे न सूंघेंगे, जय हनुमान ज्ञान गो सागर। सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवा के आपने हनुमान जी को क्या, आपने आज तक क्या दिया, मक्खन लगाते हैं, भगवान मक्खन से नहीं काम होता, केदारनाथ वाले अम्मा के पेटे से मक्खन लगा रहे थे, अंत में क्या हुआ, इसे जाहिर हो गया। जिन बातों को आज मैं बचपन से चल ला रहा था कि सेवा करो, यथार्थवादी बनो, ये पूजा पाठ के चक्कर छोड़ो, बंद करो ये सब नाटक, किसी ने सुना, लेकिन केदारनाथ में क्या हुआ, बड़े बड़े भक्त रहे ना भाई, 5,000, 6,000, 10,000 आदमी, मैं लौके बच्चे के बह गए हो गए पता नहीं कहाँ चले गए, और केदारनाथ अपने आप को बचाए। उनका ये कहना है कि जब सारे बुढ़े हो जाओ, तुम्हारे मन में कोई चोरी कपट पाप ना हो तो मेरे यहाँ आओ, पाप करके आओगे तो तुमको कहीं ना कहीं घोसेड़ा हम यहीं दे देंगे, पुण्य होगा तो फिर लौको बच्चों में वापस करेंगे। हुआ 20-20 साल की 25-25 साल की लौंडियाँ जा रही, रम की बोतलें जा रही हैं, ककलेट अमलेट जा रहा है, और बड़े बड़े महात्मा सब जानते हैं, उनको बोलना नहीं चाहिए हैं, और बोलेंगे तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी, चलाओ दुकान, गांव का गांव बह गया, इससे शर्मनाक बात और क्या होगी। वो पवित्र स्थान है, वो शक्ति है उस मंदिर के अंदर कि मंदिर बच गया, इतनी बड़ी नंदी बच गई और सब गाँव का गाँव बह गया, उस मंदिर में शक्ति है। लेकिन उनके लिए है जो जिन ईमानदार हों, जिनका हृदय मुलायम हो, जो ऊंच नीच का भेदभाव यानी किसी को कष्ट न देते हों, उनके लिए वो मंदिर बना है। वो रम पीने वालों, ककलेट आमलेट खाने वालों के लिए वो मंदिर नहीं बना। यही हाल आने वाले समय में देखिएगा, हर तीर्थों में यही होगा। तो वाणी को हम विराम देना चाहेंगे और
आज की तारीख जो है थोड़ा गेहूँ भैया ये गेहूँ सुबह का बचा था किसी ने चखा लेना। अच्छा तो तारीख आज की जो है वो 17 जुलाई 2013 है। तारीख बोल देने से प्रोग्राम कहीं होता है ना तो आसानी होती है, सीडी के ऊपर लिखा जाता है किस डेट में बना था। कुल मिला के यही है हमने बता दिया। अगर मानवता की झलक देखनी हो तो 18 मूल भारती छात्रावास रायबरेली उत्तर प्रदेश चले आओ। यहाँ जितने भी छात्र मिलेंगे उनके अंदर आपको मानवता मिलेगी। जो कैमरा लेके बेचारा एक घंटे से हमारा काम कर रहा है वह हमारा नौकर है, लेकिन नहीं सीधे साधे हैं, देखते हैं बाबा अच्छा काम कर रहा है, लाओ बाबा की मदद करते हैं। तो जिनमें इनके अंदर मानवता है, जिनमें मानवता है उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं को ऊंचा स्थान दो, और नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अब इसको हम अभी धोएंगे, पहले हम कैमरे को बंद करें, फिर हमको काफ़ी टाइम लग जाएगा। थोड़ा उधर भी दिखा दीजिए, थोड़ा उधर भी दिखा दीजिए। संध्या बेला है 6:30, जहाँ तक 6:30 बज रहे हैं बेला 6:30 बज रहे हैं, जबकि एक झोला आम होता और होता तो भी काम हो जाता। अब चौधरी सरदार देखिए वहाँ टीन हिलाए दे रहा है। टीन लगाने वालों को मैंने कहा कि टीन लगाए हो तो पाइप रखे बांध दो, वो हड़हड़ हड़हड़ उनको मज़ा आता है, और आप उनके लिए झुलुआ बनाए हैं और बाद में जाएंगे बंदर मेरा नुकसान करता है। बंदर दोषी नहीं है, दोषी आप है। एक पाइप लगवाओ ऊपर से बंधवा दो, वो हड़हड़ हड़हड़ जो होता है बंद हो जाए। तो वाणी को हम विराम देंगे और ज़रा सा हाथ धो के फिर हम कैमरे को ले रहे हैं। अब भैया जरा सा पानी होते खाते हैं, तब तक आप ऐसे ही भैया दिखाते रहो, इन लोगों को बनाते रहो। भैया हाथ धो दे तो कैमरे वहाँ बंद कर देंगे हम। अब इनके यहाँ पर बहुत सी टोलियाँ हैं, एक वहाँ PWD के जो बड़े साहब हैं वहाँ उनकी एक टोली है। माल कम था, देर भी हो रही थी, हमने कहा चलो भाई किसी ने आम दिया थोड़ी मेहनत करो, तो आम भाई साल में एक ही बार आवेगा, इसीलिए कैमरा लेके मैं आ गया। हमने कहा इसी इनको भी बना ले। आज ही भंवरेश्वर भी जाना था, वहाँ 2000 बंदर हैं, 2000 बंदरों का हुजूम है वहाँ पर। भैया उसमें कुछ नहीं है, जरा इधर दिखाइए, अब सब तलाशी दी जा रही है। इधर दिखाइए, ये गेहूँ खा रही है। वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तारीख आज की 17 जुलाई 2013 है, और मूल भारती छात्रावास रायबरेली का सीन अभी आपने देखा। तो थोड़े से एक आम खिलाने का मैंने तरीका बताया, आम लेके आओ घर से काट के आओ, छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, सब कोई मिल के काटो, और वही पॉलीथिन के झोले में लाओ ताकि चूने बहने ना पावे, और उसी से निकाल के उसको डालो। हमारे पास झोले ख़राब हो जाते हैं। एक साहब थे, उनसे आज मैं 2 साल से कह रहा हूँ, वो सिंध समाज के हैं, नाम उनका मैं बहुत लेता हूँ, लेकिन वो वैसा गड़बड़ उन्होंने किया है कि क्या बताऊँ। सुधीर नंदवानी, 2 साल हो गए झोला झोला करते हुए। और वहीं एक सोनू नाम का लड़का है, वो भी सिंध समाज का है, वो बिल्कुल देव स्वरूप है बेचारा, वो हमारे लिए देवता है। आज मैंने कहा कि बाबा जी हमारा जो काम चल रहा है आप उसी को ले लीजिए। हमने कहा बेटा अब जो 2 झोले लाओगे, एक सरदार मंजीत सिंह है, उन्होंने हमको पैसा दिया है, अब वो दोनों झोलों को पैसा दे करके हमको नया झोला, वो भोला छाप झोला जो आता है बड़ी बड़ी मूछे वाला, वो बड़ा मजबूत झोला होता है, और अंदर से उसमें प्लास्टिक लगा होता है कि आम जो चूहे बहे तो उसी में रहेगा, और जो बाकी और सब लेके आए हैं वो सब चाशनी बह रही है। तो आज हमने अपने आप को कपड़े को बहुत बचाया, आज आम भी बहुत कम था। अभी 3-4 दिन पहले जस साहिबा को हम बुलाए रहे, उसमें 30 किलो आम था। अब जब भी आम आएगा तो हम कैमरा लेके आएंगे। हमने कहा आप जस साहिबा को बुलाओ, तो मैं आ रही हूँ,
फिर वो घंटा बजेगा, फिर वो चंद्र तारे में साइज निकलवाएंगी, बड़े लोगों के बड़े नखड़े हमारे दिमाग में। अरे भैया मूल भारती चलो किसी छात्र को कैमरा दे दो, वो बेचारा बना देगा और काम हो गया। देखिए ये होता है तो हम वाणी को विराम देंगे, एक बार फिर उधर बना लीजिए और